नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य। धन्यवाद कविता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का आलम आप इस बात से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही पीएम मोदी ये कहते हैं कि वो सोशल मीडिया छोड़ने की बात कर रहे हैं तो एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में घमासान मच जाता है, अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है, हर कोई ये सोचने लग जाता है कि भाई आखिरकार मोदी जी के इस फैसले के पीछे क्या रीज़न है, आखिर क्यों वो सोशल मीडिया छोड़ने की बात करें। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो सोशल मीडिया छोड़ने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो इस पे ध्यान देना चाहते हैं कि महिला दिवस के मौके पर वो महिलाएं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालेंगी, जिनके काम और जिनके कहें कि जिनके काम की वजह से, महिलाओं के काम की वजह से दुनिया प्रेरित हुई है। लेकिन बात आती है पीएम मोदी जी। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से बीजेपी कई राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, फिर दिल्ली में भी जिस तरह से सीएए के विरोध में हिंसा भड़की, उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता पर असर पड़ा। ऐसे में आखिरकार क्या कहती है पीएम मोदी की कुंडली, आगे उनका भविष्य कैसा रहने वाला है? राहु, केतु और शनि, ये तीन जो बड़े ग्रह हैं, ये मोदी जी की कुंडली में क्या खेल दिखा सकते हैं, आइए इसी को लेकर हम बात करेंगे। मयंक जी, तो मयंक जी आपको क्या लगता है पीएम मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है नहीं आई है, ये हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक बात अहम है कि जिस तरह से दिल्ली में हिंसा भड़की, हाल ही के राज्यों के चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, उससे पीएम मोदी पर भी असर पड़ा। जी जी जी, देखिए बिल्कुल। और ये जब हार होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और जीत का सेहरा भी उनके सिर पड़ता है, तो ये नेचुरल सी बात है। कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र हमें प्रभावित करते हैं कविता। अगर मोदी जी दूसरी बार सत्ता में आए तो उसके लिए उनके कुंडली के योग हैं कि उनका सत्ता में वो आए हैं। उनके ग्रह नक्षत्र बहुत ज़बरदस्त हैं जिसकी वजह से उनको सत्ता में उनकी वापसी हुई थी 2019 में। और इसके अलावा कुछ और भी ग्रह नक्षत्र हैं जो कि गोचर में बदलते रहते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जो है अच्छे और बुरे परिणाम हमें मिलते रहते हैं। तो ना सिर्फ मोदी जी की कुंडली बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली भी ये तय करती है कि इस समय पार्टी किस ओर जा रही है, वो कितने चुनाव हार रही है, और जिस राज्य में चुनाव है उस वहाँ पर जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन दोनों लीडर्स की कुंडली भी तय करती है कि उस राज्य का फल क्या रहने वाला है, उस राज्य की प्रेडिक्शंस क्या रहने वाली है, कौन वहाँ जीतने वाला है। तो इन तमाम मुद्दों पर इनका विश्लेषण करने के बाद ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुंडली में भी इस समय ठीक नहीं चल रहा है। जो निरंतर चुनाव भाजपा हार रही है, जनाधार उनका वोट परसेंट तो उनका भर रहा है लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो रहा है, तो ये एक बड़ा बीजेपी के लिए लॉस है। और दूसरा क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं गोचर में, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा मतलब कि प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं धूमिल हुई है या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, या इस समय मोदी जी थोड़ा निशाने पर हैं विरोधियों के। तो आखिर ऐसी क्या वजह है इनकी कुंडली में? देखिए कुंडली पर एक नज़र डाल देते हैं, इनकी वृश्चिक लग्न है और लगन में ही इनका चंद्रमा नीच का बैठा है, यानी कि वृश्चिक राशि के ही मोदी जी हैं और साथ साथ लगन में मंगल भी है। दशम भाव में इनका शनि और शुक्र का योग है, एकादश भाव में इनका बुध है, बहुत अच्छा इनकी कुंडली है, बहुत अच्छा राजयोग इनकी कुंडली में बना हुआ है। और इनकी कुंडली में अगर गोचर की बात करें इस समय, तो अष्टम भाव का राहु है जो मोदी जी की कहना चाहिए एक तरीके से, या बीजेपी की, मोदी जी को कहीं ना कहीं समाज में कुछ ना कुछ एक माहौल खराब कर देता है, अपयश की प्राप्ति करा देता है, या छवि जो है धूमिल हो जाती है। अष्टम का राहु जो है मोदी जी के लिए हानिकारक साबित होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके कारण जो है कई बार विपक्षी दल इस समय हावी हो रहे हैं इनके ऊपर या मुद्दा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ छवि भी धूमिल हो रही है, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। और कहते हैं कि हमारे जैसे ग्रह नक्षत्र चलते हैं उनका स्वभाव हमारे ऊपर भी आता है, और हमारा मन परेशान होता है या चिंतित होते हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी इस चीज़ से थोड़ा परेशान है, थोड़ा इस चीज़ से लेके वो सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्यों इतनी माहौल बदला हुआ है। देखिए अष्टम भाव का केतु जो है वो हमें अपयश की प्राप्ति करा देता है या हमारी प्रतिष्ठा में कुछ कमी आ जाती है, तो ये एक ऐसा संकेत है मोदी जी के लिए जो कि उनको नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन अब ये उस तरह की ग्रह नक्षत्र की स्थिति नहीं रहेगी,
क्योंकि एक तो मोदी जी को शनि की साढ़ेसाती समाप्त हुई है 24 जनवरी के बाद, और उसके साथ साथ जो और भी कुंडली में ग्रह हैं वो उनके बड़े सकारात्मक नजर आ रहे हैं। जैसे कि उनकी कुंडली में अगर हम ये बात करें कि गुरु की स्थिति है इस समय काफ़ी अच्छी शुभ है, शनि की स्थिति बेहद शुभ आ रही है, और जब इनका इन दोनों ग्रहों का मिलन 29 मार्च के बाद यानी कि तृतीय भाव में हो जाएगा मोदी जी की कुंडली के हिसाब से, यानी कि वृष मकर राशि में ये दोनों ग्रह बैठ जाएंगे जाके गुरु शनि, तो ये राजयोग जो है और भी पावरफुल हो जाएगा, नीच भंग राजयोग हो जाएगा, और मंगल भी वहाँ 22 मार्च के बाद आ रहे हैं, तो उसके बाद इनकी लोकप्रियता में जो है इजाफा ही होने वाला है, और सरकार के द्वारा फैसले जो मोदी जी के द्वारा कुछ फैसले बड़े तकड़े लिए जाने वाले हैं होली के बाद, कुछ बहुत बड़ा ऐलान होली के बाद, कुछ बहुत बड़े फैसले जो कि जनता के पक्ष में रहेंगे, और पूरे ना सिर्फ विपक्ष को बल्कि पूरे मुल्क को और पूरे विश्व को चौंकाने वाले फैसले अभी आपको देखने वाले मिल सकते हैं। अगर हम ये मार्च से बात करें यानी कि कौन सी वो तारीख है 18 मार्च से लेके, और जो मेरे को लग रहा है कि 18 नवंबर के बीच में, ये मोदी जी के लिए बड़ा एक अप्रत्याशित फैसले लेने वाला समय रहेगा। इस दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, बड़ा परिवर्तन आएगा इस दौरान, और मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है उसमें तेजी से वृद्धि होगी इस समय के दौरान, और जो उनकी छवि धूमिल हुई है उससे वो उभर जाएंगे, और एक बहुत ही सकारात्मक छवि, एक जिस जो उनका कद है जो प्रतिष्ठा है उसी के अकॉर्डिंग और उससे भी आगे बढ़कर वो आने वाले समय में चलने वाले हैं। देखिए दशा चंद्रमा की इनको है, चंद्रमा में केतु का इनके ऊपर प्रभाव था, वो प्रभाव भी इनका बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, यानी कि मई में वो प्रभाव ख़त्म हो जाएगा जी। और फिर शुक्र की अंतरदशा आएगी, वो बहुत ही पावरफुल रहने वाली है इनके लिए कविता, और इनकी मान प्रतिष्ठा में यश में वृद्धि होगी। तो देखिए इनकी कुंडली इतनी पावरफुल कुंडली है कि इनके छठे भाव का कारक भी मंगल है, वृश्चिक लग्न है, और जब छठे भाव का कारक मंगल होता है या छठे भाव का कारक अगर बहुत मजबूत होता है तो आपके शत्रु जो हैं आपके लेग पुलिंग करने को हमेशा तैयार रहते हैं, और शत्रु आपके विरोधी जो हैं वो आपको हमेशा ही क्रिटिसाइज करेंगे, और जितना मोदी जी को विरोधी क्रिटिसाइज करेंगे उतना ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। कारण क्या है कि इनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है और चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, ये पावरफुल राजयोग लग्न में बना हुआ है, और लग्नेश मंगल भी हैं यहाँ पे, यानी कि विरोधी जितना इनका बिगाड़ने का प्रयास करेंगे मोदी जी उतना ही तेजी से ऊपर बढ़ेंगे, तो विरोधी इनका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। अभी आपने देखा है कि गुजरात के जब तक ये वहाँ पे मुख्यमंत्री थे इन्होंने जब वहाँ पे रिज़ाइन दिया क्योंकि केंद्र में ये मतलब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को इनको मिली थी उस समय, तब वहाँ से रिज़ाइन दिया उन्होंने, वहाँ से भी इनको कोई हिला नहीं सका गुजरात से, कितनी कोशिश करी विपक्षी पार्टियों ने। ऐसे ही ये केंद्र में जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, जिस दिन ये ऐलान करेंगे कि मुझे अब राजनीति से संन्यास लेना है उसी दिन ये अपने आप ही खुद उस पद को छोड़ेंगे, यानी कि मोदी जी को हटाने वाले स्वयं मोदी जी हैं, इस लेवल के उनके ग्रह हैं, इनको कोई विपक्षी पार्टी या कोई विपक्षी दल चुनाव में हरा कर नहीं हटा पाएगा। अखंड साम्राज्य राजयोग उनकी कुंडली में बनता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में अखंड साम्राज्य राजयोग होता है वो खुद अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, खुद पद छोड़ेगा, कोई भी इनको उस पद से नहीं हटा सकता है। ऐसे में जनता का बड़ा प्यार मिलता है, आप देखेंगे कि मोदी की जी की जो फैन फॉलोइंग है वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें पहले नंबर पर मेरे ख्याल में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरे नंबर पर मोदी जी हैं। तो जिस दिन मैंने ये उनकी बात सुनी कि मोदी जी सोशल मीडिया से हट रहे हैं तो मुझे बड़ा झटका सा भी लगा, और मेरे को लग नहीं रहा था कि वो इस तरीके से कि अपने जो उनके इतने करोड़ों अरबों फैंस हैं उनको नाराज करेंगे या सोशल मीडिया वो छोड़ेंगे। देखिए एक सीधी सी बात है कि अगर मोदी जी को अपना एक संदेश देना है तो सोशल मीडिया पे एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है उनको अपनी बात रखने का या अच्छी बात कहने का, जो कि पूरे विश्व में संदेश पहुंचाती है। अब आप देखिए कि कितने ही लोग जो है मोदी जी की मन की बात सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री हमारे से ये रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए, पढ़ाई का समय उनको बधाई भी देते हैं, खिलाड़ी कोई ट्रॉफी जीतता है तो उसको भी बधाई देते हैं, तो ये अप्रिसिएशन देते हैं, और ये हमारे देश के लोगों को बड़ा पसंद आता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए, खिलाड़ियों के लिए या जो भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, किसानों के लिए, है ना, देश के लिए एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं और हमें अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है तो लोग उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, और प्रधानमंत्री जो रिक्वेस्ट करते हैं आपने देखा होगा जनता उसको स्वीकार करती है और उसको मानती भी है। बिल्कुल, तो ये हमने पीएम मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था, और ये विश्लेषण हमने मयंक जी से इसलिए आपके सामने करवाया क्योंकि
पीएम मोदी हमारे देश का नेतृत्व करते हैं और हमारी देश की जो किस्मत होती है, जो भाग्य होता है, वो नेतृत्व की कुंडली से भी जुड़ा होता है। और इसलिए हमने मयंक शर्मा द्वारा आपको ये बताया कि किस इस वक्त पीएम मोदी जी के ग्रह नक्षत्र किस दौर से गुजर रहे हैं, आखिरकार उनके राजनीतिक सितारे क्या कुछ बोल रहे हैं। हालांकि साथ ही साथ मयंक शर्मा जी ने विश्लेषण करने के दौरान एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि तमाम चुनौतियां आ जाएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए पीएम मोदी को उनकी गद्दी से कोई नहीं हटा सकता जब तक वो खुद ना चाहे। चलिए, इस पे आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।